हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छे हैं, मतलब हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएं। और मैंने मेहंदी लगाई, मैं खुद ही लगाती हूँ हमेशा, बहुत अच्छी नहीं लगा पाती क्योंकि मैंने यहाँ पे ना पास में एक पार्लर है वहां पे भी पूछा तो उसने भी मना कर दिया कि नहीं होता है, मतलब वो लोग नहीं लगाते हैं। अब वो दूर जाने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि क्रियांश भी थोड़ा छोटा है, मतलब क्रियांश के भी बहुत सारे काम रहते हैं इसलिए। और इस पे सिर्फ मैं यही बनाती हूँ हमेशा। तो ये जो गोल है ना, जो मून, इसको क्रियांश बोलता है मून, और जो साइड में पॉइंटेड है ना उसको बोलता है जुपिटर। क्योंकि क्या है, कुछ चीज प्रांकी को बताते हैं तो वो बहुत ध्यान से सुनता है कि स्काई में जैसे ऐप होती है ना, कोई भी ऐप होती तो उससे पता चलता है स्काई में कि मून किधर है और जुपिटर किधर है या कुछ और भी। तो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है तो वो हमेशा अगर मून को देखता है ना तो तुरंत बोलता है जुपिटर, मून, जुपिटर। उसको बहुत ज्यादा पसंद है ये सब चीजें। और दूसरी बात है, मैं लगभग पता है क्या कहते हैं, छह सात साल से जैसे बाहर रहते हैं हम लोग, तो कभी कोई अपने साइड का नहीं मिला है जो फास्ट रखता है, क्योंकि इधर के सारे लोग नहीं रखते हैं या बहुत कम लोग रखते हैं ऐसा कह लीजिए। लेकिन मुझे पहली बात मेरी साइड का यूपी का ही कोई मिला था, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अपने साइड का कोई मिलता है। तो और फिर उन्होंने मतलब कथा सुनने का कथा होती है जैसे, मतलब एक दूसरे, मतलब कुछ लेडीज क्या होती है एक जगह इकट्ठे होते हैं, एक के घर पे इकट्ठे होते हैं और वहाँ कथा सुनाते हैं, मतलब कोई भी एक लेडीज कथा सुनाती है। तो हम लोग भी ना उनके घर पे गए थे, यही मेरे घर के सामने ही रहती है मतलब। तो तीन चार लेडीज थी, हम दो लोग तो हम एक ही बिल्डिंग के थे और दो और वो लोग थे, लेकिन हाँ ये है कि सब लोग ना उधर की साइड के ही थे, मतलब यूपी साइड के ही थे और आसपास के ही थे। तो थोड़ा मतलब बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपनी साइड का मिलता है और वही चीज उसके घर पर भी होती है, मतलब वो सेलिब्रेट करता है कोई फेस्टिवल या कुछ भी हो ऐसा, तो पहली बार ऐसा मिला है। वरना क्या होता था कि अकेले अकेले ही करते थे, जैसे मैं डे में रात शाम के टाइम ही पूजा वूजा होती है तो मैं थोड़ा लेट ही नहाती थी। आज फिर भी थोड़ा सा जल्दी नहा लेती क्योंकि उनके घर पे जाना था इसलिए। वरना क्या होता है कि अकेले ही अकेले करना होता है तो कभी भी नहाओ धो या कुछ भी करो और फिर अपने आप ही उसकी जो कथा होती है वो पढ़ ली, और मतलब जो भोग लगाना है जो भी आपको करना होता है मतलब वो सब किया और काम खत्म, बस छुट्टी। लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हुआ, मतलब मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि हाँ यहाँ पे कुछ लोग मेरी साइड के मिले और उनके साथ ये कथा की, उन्होंने मतलब सुनाई कथा, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा उनसे मिले तो हम लोग पहले भी हैं उनसे, लेकिन जो फेस्टिवल्स पे मिलना होता है जैसे आज व्रत है करवा चौथ का तो उन लोगों का भी रखा हुआ है, उन लोगों ने भी हम लोगों ने भी, तो वहां जाके अच्छा लगा कि कुछ अपना सा लगा, मतलब कि हाँ अपने साइड का है तो वही चीज सेम टू सेम उनके यहाँ पे होती भी है। वरना जैसे मैं गोवा में 5 साल रही हूँ वहां मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि उसके घर पे भी ये चीज होती है, मतलब यूपी साइड का कोई नहीं मिला। या जैसे नागपुर में थी वहां तो खैर चलो उसकी छोड़ो, वहां तो बहुत कम टाइम रही थी, लेकिन यहाँ भी 2 साल तो खैर घर पे ही निकले, यहाँ आके ये लोग मिले ना तो अच्छा लगता है कोई अपनी साइड का मिलता है और वही फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है उसी तरीके से करता है। थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं लेकिन सब चीज वैसे ही होती है, तो एक जगह इकट्ठे भी हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। और उन्होंने कथा भी सुनाई, वो भी मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुल मिला के मतलब अच्छा लगा आज, वरना मैं हर बार क्या अकेले अकेले ही होता था कि अपने आप ही खा लिया पी लिया बना लिया कुछ, अपने आप ही कथा पता सुन मतलब पढ़ ली, अपने आप ही पढ़ लेते हैं और बस काम खत्म हो जाता था। लेकिन आज 5-6 साल के बाद ऐसा कोई मिलता है तो सच में रियली बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे उनकी जो कथा है वो भी शेयर कर रही हूँ और काफी थोड़ी बहुत बात हुई और फिर आ गए क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है, बहुत लंबे टाइम नहीं बैठ सकते थे इसलिए।
सब अच्छा रहा, उन्होंने कथा सुनाई थी ना तो अच्छा रहा। और अभी तो खैर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ प्रियांश को सुलाया है। सुला के वो मतलब पूरा दिन ना चेचे मेचे रहती है, मतलब एक सेकंड को चुप ही नहीं होता है। जब वो बोलना नहीं सीखा था ना तो ये लगता था कि वो कब बोलेगा कब बोलेगा, क्योंकि थोड़ा ना लेट बोलना शुरू किया था प्रियांश ने। अभी ऐसा लगता है 5 मिनट तो चुप हो जाना, 5 मिनट तो चुप हो जा बस। शायद वरना दोनों में खूब लड़ाई होती है। प्रांकी स्कूल जाती है तब घर में शांति होती है, और अब क्रियांश सो गया है तो प्रांकी आने वाली है तो थोड़ा शांति रहेगी, वरना जहां दोनों मिलते हैं ना वहां ऐसा महाभारत सी कर देते हैं दोनों के दोनों। क्योंकि क्रियांश की आदत है जो प्रांकी के हाथ में टॉयज होता है ना उसको वही चाहिए होता है, उसको वही लेने का मन करता है। और प्रांकी भी छोटी है, उसको भी कहाँ तक समझाया जाए, उसका भी मन करता है कि खेले वो किसी चीज से। तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा शैतान है। और अभी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जो उन्होंने हमको कथा सुनाई थी, करवा चौथ की कथा। एक राजा था, उसके सात बेटे थे और एक पुत्री थी जिसका नाम कुंभी था। वह अपने भाई की अत्यंत प्यारी बहन थी। कार्तिकेय शुक्ल की चोट करवा चौथ को कुंभी व्रत रखा। भाई बहन बहन के भोजन नहीं करते थे। भाइयों ने अपनी माँ से कहा, माँ बहन को भोजन करो। तो माँ ने कहा, आज तुम्हारी बहन व्रत रहता है, वह खाना नहीं खाएगी, शाम को चंद्रमा देखकर ही खाना खाएगी। इस पर भाइयों ने कहा, तब चंद्रमा निकल आएगा तभी खाएगी। माँ ने कहा हाँ। तब कुछ भाई नदी के उस पार पहुंच गए। एक भाई झुना सारा झाड़ फूंक ले आया, एक भाई ने उसमें आग लगा दी, एक ने उसके ऊपर चलनी ढक दी। कोई नशेली एक चढ़ गया और लगा चांद दिखने। किसी ने कह दिया, चंद्रमा निकल आया। यह सुनकर बहन अपने भौजाई से बोली, भाभी चलो चंद्रमा निकल आया। भाभी ने कहा, तुम्हारा चंद्रमा निकल आया है, हमारा नहीं निकल आया। बहन जाकर पूजा कराई और अर्घ्य दिया। अब जैसे ही भोजन की थाली उसके पास आई, पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरे में छींके, तीसरे में हरकारा आ गया कि तुमको ससुराल से बुलावा आया है। तब माँ बोली कि बेटी, तुझे जो कोई भी मिले सबके पांव लगती जाना। जिसने उसने वैसा ही किया, परंतु किसी ने भी आशीर्वाद न दिया। परंतु जब ननंद आगे से मिली तो उसके पांव छूने पर उसने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। घर पर जाकर उसने देखा कि पति मरा पड़ा है और उसके ले जाने की तैयारी हो रही है। वह भी संग गई और रेत में पति की लाश रखवा ली और हर समय सेवा करने लगी। ननंद रोज आती तथा चार रोटी व एक कुल्ले के में दाल लाती, जो वह खुद न खाकर रेती में ही गाड़ देती। कुछ समय बीतने के बाद चौथ माँ उसके घर आई और बोली कि किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोली तथा चौथ माता को देखकर अपने पांव छूने लगी। तब माँ ने धक्का मार दिया और बोली, अरे व्रत कुंडनी, दूर रह, मेरे पैर न पकड़। उसके बहुत माफी मांगने पर वह बोली कि तुझसे
कि मुझसे बहुत बड़ी, मुझसे बड़ी जब आएगी तभी तुझको सुहाग देगी। इसी तरह हर महीने चोट आती और घर तुम्हें कहकर चल जाती। जब 11 महीने वाली चोट आई तब उसने कुंवरी तब उससे कुंवरी ने बहुत विनती की। तब सबने कहा कि यह देखकर करवा चोट आने वाली है कि वो तुझे वही सुहाग लौटा कर देगी, इसलिए तू सभी सुहाग का सामान मंगा कर रख लेना। यदि वह तुझे मारे तो पीट लेना, जैसा कहे सुन लेना, परंतु उसकी प्रार्थना करना और उसको छोड़ना मत। जब वह तुमसे सुहाग का सामान मांगे तो एक एक करके देखी जाना, वह तुझे तेरा सुहाग लौटा जाएगी। जब कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की करवा चौथ आई तो उसने बताए अनुसार किया, तब तो माँ ने प्रसन्न होकर उसके पति को पुनः जीवित कर दिया तथा उसकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। अब तो वह महलों में बैठे हुए सार फांसे खेल रहे हैं। तभी पता लगते ही सभी सुहागण स्त्रियां करवा बदलने के लिए उसके पास आने लगी। जब ननद आई तो वह यह सब देखकर बहुत आश्चर्य करने लगी और सोचने लगी कि मेरे भावेश की झोंपड़ी कहाँ चली गई। पता करने पर मालूम हुआ कि वह सभी वैभव चोट परमेश्वरी का है। तब तो वह बहुत प्रसन्न हुई। इतने में भौजाई ऊपर से उतर कर अपनी नन के पैर छूने लगी और दोनों मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। यह सब समाचार सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए और उनको अपने पास बुला लाए तथा नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक सुहागन स्त्री चौथ का व्रत अवश्य करे और 12 न बने, जो 4 का यदि 4 भी न कर सके तो चौथ करवा चौथ तथा संकट चौथ का व्रत अवश्य ही करे। इसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुने। महाराज आए, उन्होंने जरा से चावल हाथ में लिए और 100 रुपया में बोल दिया। सबको बोल रहे पूरे गांव में कि कोई मेरी खीर बना दो, खीर बना दो, लेकिन कोई सब बोल रही है इसमें से कहाँ खीर बनेगी, कहाँ बनेगी। तो फिर एक बूढ़ी आई, बूढ़िया ने कहा कि चलो मैं बना दूंगी, दे दे बेटा मुझे। तो उसने दूध चढ़ाया, वो दूध बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, इतना बड़ा कढ़ा हो गया, कम बढ़ता ही गया। तो गणेश जी बोले कि जाओ, चुटक ले महाराज बोले कि जाओ, उसने बुढ़िया पूरे गांव को नुक्ता दिया जीने के लिए, खीर खाने के लिए। जैसे ही बुढ़िया नुक्ता देने गई तो बुढ़िया की बहू आई, उसने उसमें से खा लिया निकाल कर। बुढ़िया ने कहा बेटा ले गले तू खा ले। वो कहने लगा तेरी बहू ने खा लिया, उनको मैंने तो जब भी भोग लगा लिया जब तेरी बहू ने खाया। उनको भाई बेटा क्या होगा क्या होता, बहू सास की नहीं सुनने की, बेटी माँ की नहीं सुनने की। ऐसे तो फिर वो चुटकले महाराज थे। तो बुढ़िया वहीं से गया तो उसके पास, बुढ़िया के पास। तो उसने कहा बुढ़िया ने, चुटकले महाराज ने कहा कि मुझे तो लैटिन आ रही, उनको भाई नहीं कर रही, यही कर ले बेटा की। फिर कहने लगा तो मैं कहीं से दो, उनको ले मेरे बाड़ों से पूछ ली। सुबह सुबह एक लेडीज आई आग लेने के लिए, दबा रखी थी बुढ़िया ने आग। देखो सारे में बुढ़िया के घर में धन दौलत भर दी, सारे में धन दौलत भर रखी। बुढ़िया के बाल भी सोने के, वो चंद के महल आराम सब महल बन गया। उनको यूँ क्या हुआ, उनको चुटकले महाराज ने कहा सब तेरे बेटा बहू बनते हैं, तुम मेरे साथ बैठ के चल। गणेश जी महाराज की कहने वाला का बोलो, सुनने वाला का भी भला। अच्छा एक ही कहानी कई तरीकों से होती है, मम्मी भी सुनाती है ये वाली कहानी, वो दूसरे तरीके से सुनाती है। मैंने भी उसको बोलती जो भी मेरे से बोलता है ना, बुद्धि को लाना चाह जाता है तो बुद्धि फिर हाँ वही वाली दूसरी लेडी बुलाती है, वो भी ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन वो बिना खाए कोई, वो बिना खाए दूसरा बनाती है, इसी के पीछे बोली जाती है। अच्छा अच्छा, तो उसके तो घर बहुत अच्छे कर देते हैं, खीर बना ले। और वो खान मतलब खाना पीन जो भी खीर वीर बनाती है वो बिना नहाए धोए ऐसे बनाती है, तो उसके राख हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि इसलिए किसी की मतलब देख नहीं करनी चाहिए, हिरस नहीं करनी चाहिए। ये तो एक ही कहानी कई तरीके से होती है नहीं, इसके पीछे इसको भी मतलब कहा जाता है, जैसे पहले वो इसी में है कि जैसे पहले आई ना वैसे सबको आए, और जैसे बाद में करी वैसे किसी के साथ ना हो, ऐसे होती हो। अच्छी है, कोई भी कथा होती है तो ये वाली जरूर बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं। इसमें ये वाली किताब में दूसरे तरीके से लिखी हुई है, दूसरी किताब है उसमें दूसरे तरीके से, वही ना एक कहानी कई तरीकों से होती है। ऐसे ये नवरात्रे की भी तो है ना, मतलब एक में तो कुछ दूसरे तरीके से है माता की ठीक है, और एक और जो है उसमें दूसरे तरीके से,
एक ही पढ़ू ना तो उसी का ही बता दो। कुछ शब्द के इधर उधर कर देता है तो उसमें इतनी इतनी चीजें दिख रहा मतलब लिख रखी है कि जैसे कि मान लो वैसे तो होती है तो इच्छा ठीक है यदि किसी की श्रद्धा होती है तो वो व्रत करता है लेकिन उसमें इतना डरा रखा है कि जो व्रत नहीं करता उस पत्नी का पति उसमें कहा नहीं है ऐसे लिखा होगा मतलब वो उसको मतलब बीमार हो जाएगा ठीक है जो पत्नी कोई काम मेरा सब कुछ खाना पीना कंप्लीट है रेडी है पूजा भी हो गई सब कुछ हो गया और मतलब वो तो बहुत जल्दी हो गया था लेकिन अभी 9 बजे है और अभी तक ना चांद नहीं दिखाई दिया है। एक तो क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना पीछे तो उसकी वजह से भी थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है और वैसे भी महाराष्ट्र में ना हम लोगों की साइड से थोड़ा लेट ही दिखाई देता है लगभग आधा घंटा ऐसा डिफरेंस रहता है नहीं दिखाई देता है। तो भूख इतनी नहीं लगती है प्यास ज्यादा लगती है पानी पीने का ज्यादा मन करता है भूख तो कंट्रोल हो जाती है लेकिन प्यास बहुत ज्यादा लगती है बहुत ज्यादा। तो अभी वेट कर रहे हैं कि चांद दिखाई दे जाए उसके बाद मतलब छत पे जाके क्योंकि हाथ नीचे से तो नहीं दिखाई देगा छत पे ही जाना पड़ेगा और उसके बाद पूजा करते हैं उसके बाद अपना व्रत खोलेंगे खाना खाएंगे क्योंकि सुबह से पानी भी नहीं पिया है तो प्यास ज्यादा लगती है भूख तो इतनी नहीं लगती है। अभी हम लोग जाके देखते हैं एक बार कि निकला है या नहीं निकला है। और जो जल का लोटा होता है ना वो मैं अपने आप नहीं फिल करती हूँ मतलब उसमें जो जल है वो मैं नहीं भरती हूँ प्रांकी से भरवाती हूँ क्योंकि ये छोटी सी कन्या है इसलिए मतलब मेरे घर पे जो भी है ना सब नहीं भरवाते हैं सब छोटे कन्या से ही भरवाते हैं क्योंकि एक तो वो कन्या है और खुद नहीं भी भरते हैं क्योंकि मम्मी वगैरह कोई नहीं भरता और उसके बाद उसको पैसे भी मिलते हैं मतलब जब मैं भी छोटी थी तो मम्मी में भरवाती थी तो हमें पैसे भी मिलते थे तो मैंने भी प्रांकी को पैसे दिए थे ना तो मतलब जो लोटा होता है उसको भरने के पैसे भी मिलते हैं। प्रांकी ने बड़ी खुशी खुशी भरा उसे पता था कि हाँ पैसे मिलेंगे बर्थडे के लिए। अब अपने अभी बर्थडे के इतने दिन है मार्च में बर्थडे आता है अभी से बर्थडे का इंतजार है इसको एक दिन पूछ रही थी कि कब होता है बर्थडे बोलते अच्छा खासा दिख गया इस बड्डी की वजह से आधा घंटा लेट था वरना सब जगह दिख गया पहले सही है पतिदेव यहाँ खड़ी हो जा हाँ बता दे ना बन रही सही प्रांकी उधर बोल को दिखाई का उधर दिखा हाँ ऐसे हाँ ठीक है ठीक वेरी गुड चांद किधर है? चांद किधर है?
पापा पापा मेरे हाथ दुख गए।